चंडीगढ़ से खबर है, जहां 3 जनवरी को हरियाणा कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में डिप्टी सीएम समेत तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। इसकी बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में 3 जनवरी को चंडीगढ़ में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 3 जनवरी को इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद करेंगे। बैठक में डिप्टी सीएम के साथ साथ तमाम कैबिनेट के मंत्री शामिल होंगे, जो कि ये कैबिनेट की ही बैठक है। कैबिनेट बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, क्या एजेंडा रह सकता है, कौन कौन से मुद्दे, किस बात पर सबसे ज्यादा फोकस? अभी एजेंडों का आना अभी बाकी है, क्योंकि सिर्फ अभी अभी तारीख तय हुई है। और ऐसा कहा जा सकता है कि कैबिनेट की बैठक साल की पहली बैठक है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण जो एजेंडे हैं जो सत्र में रह गए थे या दूसरे कोई एजेंडे हैं, तो वो इस बैठक में लाए जाएंगे। और जो कि साल की पहली बैठक है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण ये बैठक हो जाती है। जो जिन वर्गों की ओर से जो एजेंडे लाए गए हैं, तो उन वर्गों को भी राहत की उम्मीद जरूर है, कि उनके जो एजेंडे हैं, जो समस्याएं हैं, कई तरह की बातें जो हैं इस कैबिनेट की बैठक में उठेंगी, उन पर चर्चा की जाएगी और उन पर मोहर लगेगी। क्योंकि पहली बैठक है साल की, तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि महत्वपूर्ण बैठक जरूर होगी। क्योंकि आने वाले जो दिन है, हालांकि अब चुनाव का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो अभी हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है, तो इन सब बातों को देखते हुए कहा जा सकता है कि पहले ही हफ्ते में बैठक बुला ली गई है, नए साल की बैठक। और अभी कुछ दिन पहले ही शीतकालीन सत्र भी समाप्त हुआ है, तो कई महत्वपूर्ण एजेंडों की जरूर चर्चा होगी। इतना कहा जा सकता है कि सभी जो एजेंडे होंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। हालांकि एजेंडे क्या रहेंगे वो फिलहाल आने बाकी है, और 3 जनवरी को बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे, और कई अधिकारी अलग अलग विभागों से जुड़े हुए वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। मुख्य सचिव संजीव कौशल भी इस बैठक में होंगे। तो फिलहाल देखना होगी कौन कौन से एजेंडे इसमें आते हैं। लेकिन जिस तरह से शीतकालीन सत्र खत्म होने के तुरंत बाद, यानी कुछ दिनों के बाद ही, और नए साल के पहले हफ्ते में ही बैठक बुलाई गई है, तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि महत्वपूर्ण ठीक है। धन्यवाद फिलहाल विजय आपका तमाम जानकारी के लिए।